पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। देर से बैठा हूं। हाँ जी, जल्दी जल्दी अपना कमेंट करते हैं, मैं शायद इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, आप बोलें। जी सर, हरीश भाई जी जी बहुत देर से आपको सुन रहे थे, ड्यूटी आ गया है तो बात करें। हरीश भाई, मैं ना जैसे बच्चा जो पैदा होता है वो लगता है कि एथियस्टी होता है, तो हम लोग उन लोगों को ऐसा बना देते हैं, रिलीजन वगैरह तो हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि तो छोटे थे तो जवान में ये हमेशा एक ही सवाल रहता था कि भाई जैसे हमारे हिंदुज्म में आपको पता होगा कि बारिश जो है इंद्र भगवान पारते हैं और ऐसा ऐसा कुछ है, तो हम लोग भी जब स्कूल जाते थे तो पढ़ने में यही बताया जाता था कि बारिश जो है वो नेचुरल फिनोमिना से होता है, कि पानी ऊपर जाता है वो ठंडा होता है उसके बाद बारिश होता है, तो रिलीजन में ये दिखाया जाता कि इंद्र भगवान पानी पारते हैं बारिश करते हैं ऐसा बताया जाता था, तो ऑलरेडी ये लगता था कि रिलीजन अच्छा नहीं है, मतलब ये रियल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब हम प्रैक्टिकली ये देखते हैं जो क्लास में हमको पढ़ाया जाता है तो वहाँ तो ये ऐसे करके दिखाया जाता था प्रैक्टिकल में, तो इसी समय से लगता था कि भाई रिलीजन 100% नहीं है, अगर रिलीजन सही होता तो भगवान जो बनाता तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होता था, ऐसा लगता था मेरे को शुरू से। वैसे भी रिलीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो जैसे जैसे बड़े हो गए तो फिर मार्क्सिज्म के अंदर चले गए पूरा मार्क्सिज्म का, तो उसके बाद तो 100% ऐसा लगने लगा कि नहीं रिलीजन जो है ना वो पूरा झूठा है, मतलब तो रिलीजन से बहुत फार हो गए, तो जो बुढ़ा बुढ़ी हो जाते हैं तो पता ही है मम्मी जो है क्रिश्चियन बताती थी तो ये लोग क्रिश्चियन के लोग फिर इतना मतलब ब्लाइंडली वो लोग फॉलो करते हैं, तो उस टाइम में हम लोग मम्मी को समझाते कि नहीं ऐसा नहीं होता इसमें, तो मम्मी उस चीज को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते थे, तो मम्मी को देखने के लिए जैसे हम यूट्यूब सर्च करने लगे क्रिश्चियन के लोगों के बारे में, यूट्यूब सर्च करने लगे कॉमेडी वीडियो देखने लगे वो क्रिश्चियन का पादरी लोगों का और मौलवी लोगों का, तो कॉमेडी उसका मौलवी का वीडियो देखते रहते आपका वीडियो मिल गया, फिर आपका फ्रेंड हो गए, फिर कि जो सवाल जो दिन में आते थे तो देखते देखते वो आपका वीडियो से जो थोड़ा थोड़ा जो था कम्युनिज्म पढ़ने के बाद भी उसको फॉलो करने के बाद भी जो थोड़ा जो दिमाग में होता है ना हैंगओवर वो जो था तो आपने वो कम्प्लीटली हटा दिया। और जो है और एक बात ये कहना चाहते थे कि जैसे हमारे यहाँ संविधान बना ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो 2015 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखा गया कि किसी भी रिलीजन को, हमारा जो प्रधानमंत्री था उस टाइम वो था बाबूराम भट्ट, तो वो भी एथियस्ट है, लेकिन उस टाइम तक वो क्या बोलते थे कि रिलीजन झूठा है वो बोल के, आपको तो पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो लोगों को उस टाइम ऐसे भाषण करके लोगों से वोट भी ले लिए और इलेक्शन जीत के लेके भी गए और संविधान भी रेडी हो गया, वहां तक भी वो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे और एथियज्म को फॉलो कर रहे थे, अभी उनके फेसबुक में तो ऐसा ही है एथियज्म ही लिखा होगा एथियस्टी लिखा होगा, लेकिन अभी जब वो प्रधानमंत्री पद से हट गए ना तो वो तो अभी मंदिर भी जाने लगे मस्जिद भी जाने लगे टोपी भी पहनने लगे तौर भी जाने लगे सारा हो रहा है यार, ये पॉलिटिशियन का पता नहीं चलता हरीश भाई आप इसमें क्या कह सकते हैं। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी बातें सुनकर, मैं इसको बड़ी 30 सेकंड में रैप अप करूंगा और ये जर्नी जो आपने इस जो सवाल पूछा इसका जवाब हम अगले हफ्ते आप दोबारा आ जाएगा, मैं अपना कैमरा ऑन रखेगा मैं आपसे ले लूंगा दोबारा बात। जो आपने अपना जर्नी सुनाया
मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने जो, क्योंकि हमने ये, मुझे ये शिव का, बारिश का ये मुझे नहीं था पता, इस बिल्कुल भी नहीं था पता, इंद्र भगवान पारिश करते हैं तो। तो ये इस तरह की जो बातें हैं ये आपने लॉजिकली अप्लाई की, जो वही बातें बाकी मजाहिब में भी आपने वही फॉर्मूला वही लॉजिक अपने रिलीजन में अप्लाई, आपको पता चल गया कि ये रिलीजन सारी नॉनसेंस है। तो चलें इस अब तक के लिए इतना ही। मैं मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।